फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा मैग्नेट्स के पोल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम इट्स सेंटर बाय ए थ्रेड, वन एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द अर्थ एंड द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द अर्थ। देखिए, इसे एक थ्रेड के थ्रू फ्रीली हैंग किया गया, लटकाया गया है, और इसे डिस्टर्ब करके जब छोड़ दिया गया तो ये जब रेस्ट में आएगा, रुकेगा, तो ये अर्थ के, देखिए इस पे जो एन और एस लिखा है, नॉर्थ और साउथ, इसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ नॉर्थ मैग्नेट के, सॉरी, अर्थ के साउथ डायरेक्शन में रुक रहा है। बार बार आप कितनी भी बार डिस्टर्ब करके आप देख लीजिए, इसलिए देखिए यहाँ है ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा? ए मैग्नेट सस्पेंडेड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली हॉरिजॉन्टली विल इवेंचुअली सेटल डाउन विद वन पोल फेसिंग नॉर्थ एंड द अदर साउथ। दिस इज पोल, इसी को पोल कहते हैं, नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शन में वो इंडिकेट कर रहा। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है उसको हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ कर रहा है उसे साउथ सीकिंग पोल, और शॉर्ट में उसे साउथ पोल कहते हैं। द मैग्नेट हैज बीन ओरिजिनेटेड बाय द अर्थ, सॉरी, ओरिएंटेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अभी हम लोग आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे, ये अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है दोस्तों, ये जो मैग्नेट इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही इस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक रहा है। तो ये जो कंपास है, ठीक है, इस कंपास में जो ये छोटा सा नीडल देख रहे हैं आप, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। कि देखिए, यू मस्ट हैव सीन ए मैग्नेटिक कंपास नीडल, आपको जरूर देखना चाहिए अपने स्कूल में जब भी चांस मिले। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इज ए स्मॉल बार मैग्नेट विच इज फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन ए पाइवट। देखिए, ये छोटा बार मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो कि इस छोटे से पिन पॉइंट पर पॉइंट है, मतलब धुरी पर टिका हुआ है। वन एंड ऑफ कंपास नीडल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ये जो रेड वाला है, आप जब भी कंपास को देखेंगे एक नीडल का एक हिस्सा रेड रहता है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक है। और जो अदर पार्ट है कंपास का, वो साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो कंपास है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इस मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं। तो जिस तरह से इस कंपास के अंदर का बार मैग्नेट वर्क कर रहा है, और उसी तरह से यह बार मैग्नेट भी जो फ्रीली सस्पेंडेड है, तो वह भी तो इसी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ एक मैग्नेट है और उसके पास बाहर ये कंपास रखा गया है। यह इमेज इसलिए रखा गया है ताकि आपको यह बताना है अब आगे कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर भी इफेक्ट डालता है, एक मैग्नेट दूसरे इफेक्ट को प्रभावित करता है। तो किस तरह से प्रभावित करता है, चलिए देखते हैं। देखिए, हर एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, मैंने बताया अभी, तो जो दो पोल्स हैं तो एक नॉर्थ एक साउथ पोल होगा, तो एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया। जब दो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल, देख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को दोनों के पास पास लाया जाएगा, तो वो दोनों एक दूसरे को स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर
सेम पोल लाया जाए, यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल को दोनों मैग्नेट के पास लाएं या दोनों मैग्नेट के साउथ साउथ पोल को पास मिलाएं, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा वहाँ, ठीक है। तो अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट और सेम पोल रिपेल। जो अलग अलग अगर साउथ और नॉर्थ पोल को पास मिला रहे हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सेम पोल यानी साउथ साउथ पोल दोनों मैग्नेट का या नॉर्थ नॉर्थ पोल दोनों मैग्नेट का पास मिलाएंगे तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि कंपास के बारे में भी आपने कुछ समझ लिया, कंपास किसे कहते हैं और जो हमारा मैग्नेट है उसके कितने पोल्स होते हैं और कब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक छोटी सी बात यहाँ और भी बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप इस मैग्नेट को जो है ब्रेक कर दें, तोड़ दें, तो ऐसा नहीं है कि इसके जो पोल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अगर इस मैग्नेट को मैं ब्रेक कर दूं तो ऐसा नहीं है कि इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल अलग अलग हो जाएगा, नहीं, कभी भी किसी भी मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं किया जा सकता। छोटे से छोटा टुकड़ा आप कर दीजिए, उस छोटे से टुकड़े में भी नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स होंगे, ठीक है। तो मैग्नेट के पोल्स को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता।